अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आज हम अपनी सीरीज का लेक्चर 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, फंडामेंटल्स को देखेंगे, बेसिक थिंग्स को देखेंगे। हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि हमने साइंस को डिस्कस किया था, केमिस्ट्री को देखा था, केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस, यूजेस, एप्लीकेशंस और कुछ डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया था। लेकिन आज हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करें। बेसिकली केमिस्ट्री की 8 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट वन फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड ऑर्गेनिक, थर्ड इनऑर्गेनिक, फोर्थ बायोकेमिस्ट्री, सिक्स इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, सिक्स न्यूक्लियर केमिस्ट्री, सेवन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एट्थ वन एनालिटिकल केमिस्ट्री। हम वन बाय वन करके इन सब केमिस्ट्री ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं अपनी फर्स्ट ब्रांच को, फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें स्टूडेंट्स हमने दो चीज़ों को डिस्कस करना है। फर्स्ट वन कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड सेकेंड वन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर रिलेशन को। कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का आपस में रिलेशनशिप देखना है कि मैटर के ऊपर क्या इफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन के, कंपोजिशन को मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी क्लियर किया था। ये देखना है कि मैटर जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, मैटर की बनावट कैसी है एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स क्या, मैटर की फिजिकल स्टेट्स, मीन्स कि मैटर जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, या कंपोजिशन के चेंज होने की वजह से क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई इफेक्ट हो रहा है। इन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर हम एक एग्जांपल लेते हैं वाटर की। हमें पता है हम इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O। मीन्स एक ऑक्सीजन के एटम के साथ दो हाइड्रोजन एटम्स अटैच होते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट वी ऑल नो दैट 100 सेंटीग्रेड होता है। इसका ये कलर, इसका कलर कलरलेस होता है, टेस्ट टेस्टलेस होता है। अगर हम अब आ जाएं इसमें एक ऑक्सीजन एटम को अटैच करते हैं, इसकी कंपोजिशन में थोड़ा सा चेंज करें, ऑक्सीजन एटम को हमने अटैच किया, हाइड्रोजन परऑक्साइड इस कंपाउंड का नेम हो गया। अब इसकी कंपोजिशन में चेंज करने से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ गया। इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 150 सेंटीग्रेड हो गया। इसका जो टेस्ट होता है वो नाइट्रिक एसिड की तरह का होता है। इसका कलर की बात करें प्योर हाइड्रोजन परऑक्साइड की तो ये पेल ब्लू कलर में होता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक ऑक्सीजन एटम को ऐड करने से इसकी कंपोजिशन में चेंज आ गया। इसकी कंपोजिशन को चेंज करने से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी की सारी चेंज हो गई। इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो गया, इसका टेस्ट चेंज हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। मींस कि कंपोजिशंस जो हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे इफ़ेक्ट करती हैं और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। इसमें क्या चेंजिंग आ रही है और इनका आपस में रिलेशन पढ़ना है। अगर अब मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखूँ सिंपल वर्ड्स में फिजिकल केमिस्ट्री की, the branch of chemistry that deals with relationship between composition and physical properties। chemistry की वो branch जिसमें हम मैटर की कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आपस के रिलेशन को पढ़ते हैं, उसको डील करते हैं, दैट केमिस्ट्री इज़ नोन एज अ
फिजिकल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, अब हम अपनी सेकेंड ब्रांच को डिस्कस करते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। इट्स मीन कि ऐसे सारे कंपाउंड्स को हम स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती है। बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज़ की कंडीशन है, वो दैट इज़ कि हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में कवलेंट बॉन्ड हो, अगर तो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में कवलेंट बॉन्ड है, इट्स मीन दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसको हम सिंपली हाइड्रोकार्बन्स भी बोलेंगे। अगर हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में कवलेंट बॉन्ड होगा तभी हम उसको हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे, अदरवाइज हाइड्रोकार्बन्स वो नहीं होंगे। तो ऐसे सारे के सारे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हो और उनके दरमियान में कवलेंट बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन इसमें एक ये चीज़ है कि जस्ट ऐसे नहीं कि हम सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन को ही डिस्कस करते हैं, कोई और भी एलिमेंट, कोई और भी एलिमेंट जो है वो इसके साथ आकर अटैच हो। अब ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम इसमें कार्बन और हाइड्रोजन को ही डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट्स भी अटैच हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो हमें पता है केमिकल फार्मूला होता है वो C6H12O6। अब हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन और हाइड्रोजन मस्ट होना चाहिए और इन दोनों के दरमियान में कवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। इस ग्लूकोज में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में कवलेंट बॉन्ड है और थर्ड वन हमारे पास ऑक्सीजन जो है थर्ड एलिमेंट अटैच है, तो ये ग्लूकोज। दैट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले कंसिडर किया जाता था कि ये सिर्फ नेचुरली अकरिंग है, मीन्स कि हमें लिविंग थिंग्स से ही सिर्फ मिलते हैं, प्लांट्स एनिमल्स। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता साइंटिस्ट ने इसको लैब्स में भी तैयार करना स्टार्ट कर दिया। अब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो लैब्स में भी तैयार होते हैं, लेकिन ये जो पेट्रोल वगैरह है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, ये सारे के सारे हमें नेचुरली ही मिलते हैं, फ्रॉम लिविंग थिंग्स से ही मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पेट्रोल वो हमें लिविंग थिंग्स से कैसे मिलता है, इसका भी एक जो पूरा प्रोसेस होता है कि जब लिविंग थिंग्स मीन्स एनिमल्स प्लांट्स मर जाते हैं और ज़मीन के नीचे आहिस्ता आहिस्ता दबते चले जाते हैं और वो इतनी गहराई में चले जाते हैं कि ज़मीन के प्रेशर और हीट की वजह से वो पिघल जाते हैं, और जब एनिमल्स के बोन्स और प्लांट्स के जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है वो मेल्ट होकर आपस में मिक्स हो जाते हैं, तो ये एक पेट्रोल की शक्ल में अख्तियार हो जाते हैं, और फिर बाद में हम उसको ज़मीन से पेट्रोल को निकाल के उसकी रिफाइनिंग वगैरह करके हम उसको अपने यूजेस में लेकर आते हैं। और ये नहीं है कि ये डेली बेसिस पे हमारी ज़मीन में पेट्रोल बन रहा होगा, नहीं, पेट्रोल को बनने के लिए बहुत ज़्यादा साल रिक्वायर होते हैं, मीन्स 70 years 80 years के पहले एनिमल्स जो हैं वो मरेंगे, फिर बाद में ज़मीन की गहराई में जाएंगे, मीन्स ऊपर ऊपर रह के नहीं वो मेल्ट हो जाएंगे, ज़मीन की इतनी गहराई में चले जाएंगे कि वहाँ पे उनकी पोंस जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने किस चीज़ को अब डिस्कस करना है, हाइड्रोकार्बन को, मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान क्या होना चाहिए, कवलेंट बॉन्ड। कवलेंट बॉन्ड को हम इतना डीपली डिस्कस नहीं कर रहे, नेक्स्ट जो है वो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको डीपली डिस्कस भी करेंगे कि कवलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं और ये कैसे बनता है। तो लेकिन अभी हम हमारे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इतना काफ़ी है कि हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में कवलेंट बॉन्ड होगा तभी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। अगर हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में कवलेंट बॉन्ड है तो दैट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फिर हम इसको कंसिडर किस में करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमें ज़्यादातर लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, लिपिड्स है, तो
इसको ऐसे डिस्कस करेंगे. और नेक्स्ट एक और चीज़ को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, एंड दियर डेरिवेटिव्स. हैव यू डेरिवेटिव्स क्या होता है? मीन्स मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ जिससे आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. मीन्स हमारे पास दूध है, ठीक है. इस दूध हमारे पास एक बेसिक कंपाउंड है. अब हम इस दूध से दही भी बनाते हैं, मक्खन भी बना लेते हैं, देसी घी भी बना लेते हैं, पनीर और बहुत सारी चीज़ें हम इससे बना लेते हैं. तो मीन्स हमारे पास क्या है कि दूध हमारे पास बेसिक कंपाउंड है, और ये जितने भी हमने दही मक्खन देसी घी वगैरह बनाए ये उसके डेरिवेटिव्स है. सिमिलरली कि हाइड्रोजन और कार्बन जो होंगे ये हमारे पास बेसिक कंपाउंड होंगे, हाइड्रोकार्बन हमारे पास बेसिक कंपाउंड होगा, और इससे जो है वो हम इसके डेरिवेटिव्स को ड्राइव करते जाएंगे और उसके बारे में भी हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इसके लिए भी मैं आप एक एग्जाम्पल लेते हैं. मेरे पास है एक मीथेन जिसका मेरे पास केमिकल फार्मूला होता है CH4 मीथेन. अब ये मेरे पास एक बेसिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है. अब इसमें इसका जो हमारे पास इसकी कंपोजिशन है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कार्बन के साथ, इस तरीके के साथ हमारे पास 4 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो अटैच होते हैं कवलेंट बॉन्ड के साथ. अब मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा के पहले ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन को अटैच करूंगी, इसको हम अब बोलते हैं मेथानोल. मेथानोल बोलेंगे. अब यहाँ पे मेरे पास जो बेसिक था वो CH4 था, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करने से हमारे पास एक नेक्स्ट डेरिवेटिव ड्राइव हो गया जिसको हमने नेम दे दिया मेथानोल का. अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी, ये हमारे पास मीथेन की फिजिकल प्रॉपर्टीज रहता है. फिर जो मेरे पास मीथेन है वो मेरे पास एक गैस है, लेकिन जैसे ही मैंने ऑक्सीजन को ऐड किया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई और ये एक लिक्विड होता, मेथानॉल इज लिक्विड. तो दैट्स हम इसके हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ उसके बारे में सारी स्टडी करेंगे, और इससे जो हमारे पास डेरिवेटिव्स बनेंगे हम उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके मुतालिक भी सारा डिस्कस करेंगे, उसके मुतालिक भी हम स्टडी करेंगे. और ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं. अब अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखूँ, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with covalent compound of carbon and हाइड्रोजन. अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान में कवलेंट कंपाउंड है तो हम इसको सिंपली क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स. अगर तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में कवलेंट बॉन्ड नहीं होगा तो वो हाइड्रोकार्बन्स नहीं कहलाएंगे. ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, मतलब इन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो हमारे पास नेक्स्ट और चीज़ें हम ड्राइव करते जाएंगे और चीज़ों को बनाते जाएंगे हम उसके बारे में भी इसमें डिस्कस करेंगे. अब मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले हम ऐसे डिस्कस कंसिडर करते थे कि ये सिर्फ हमें नेचुरली मिलती हैं, लेकिन अब ये हमें लैब्स में भी तैयार की जाती हैं. लेकिन अब हम इन्हें लैब्स में भी तैयार करते हैं. आपको मैंने एग्जांपल्स दी थी पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोलियम की. तो आई होप कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लियर हो गया होगा. मैं आपको फिर एक दफ़ा से रिव्यू कर रही हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को के बारे में स्टडी करते हैं. और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो चीज़ें बनती हैं
उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, लेकिन उनमें एक कंडीशन है कि हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में कवलेंट बॉन्ड होना चाहिए। अगर तो कवलेंट बॉन्ड होगा तो फिर ही वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन पे ही हमारे पास वो कंपाउंड्स मौजूद हों, उसमें कोई थर्ड एलिमेंट भी मौजूद हो सकता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दी थी ग्लूकोज की, ग्लूकोज में हमारे पास ऑक्सीजन के भी 6 एटम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्लियर था कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में कवलेंट बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन के आने से कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल दी थी मीथेन की और मैथानोल की। मीथेन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड था, हाइड्रोजन और कार्बन थे, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर हमने मैथानोल बना दी एक ऑक्सीजन को ऐड करने से। इधर भी हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में कवलेंट बॉन्ड ही है। अगर तो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में कवलेंट बॉन्ड होगा तो दैट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और फिर बाद में अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम नेक्स्ट डेरिवेटिव्स भी देखेंगे और उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। ये सारी चीज़ें जैसे हम केमिस्ट्री के ब्रांच में डिस्कस करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, अब हम अपनी थर्ड ब्रांच को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ने देखा कि हम वहाँ पे क्या डिस्कस करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करते हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स को डिस्कस करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ आ गया, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी है। स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में जितने भी एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, उन सब की स्टडी एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स, मतलब वो सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को छोड़ के जिनके दरमियान में जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ के, हाइड्रोकार्बन्स मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हैं और उन हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में कवलेंट बॉन्ड है, तो हम उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ के, ऐसे कंपाउंड्स को छोड़ के जितने भी बाकी दुनिया और यूनिवर्स में कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उन सब की स्टडी जो है वो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। अब आपके लिए एक एग्जाम्पल है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर H2O। अब ये देखिए, इसमें कार्बन ही नहीं है, मीन्स हमें ये क्लियरली पता लग रहा है ये हाइड्रोकार्बन ही नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही नहीं है, तो दैट्स हम इसकी स्टडी किस में करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। लेकिन स्टूडेंट, मेरे पास एक और एग्जांपल है, दैट इज NaHCO3 means bicarbonate। जिसका हमारे पास दूसरा नेम, जो हम घरों में ये बहुत कॉमनली यूज करते हैं, बेकिंग सोडा। NaHCO3। अब इसकी स्टडी भी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन अराइज करेंगे कि इसमें तो हाइड्रोजन एंड कार्बन है, तो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, तो हम इसकी स्टडी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, मैंने बहुत क्लियर किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं, ऐसे हाइड्रोजन और कार्बन्स को डिस्कस करते हैं जिनके दरमियान में कवलेंट बॉन्ड होता है। बाइकार्बोनेट्स में, बेकिंग सोडा में कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में कवलेंट बॉन्ड मौजूद नहीं होता, ये इसमें कवलेंट बॉन्ड नहीं होता, तो दैट्स वाई ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, यह हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये सिंपली एक एलिमेंट एंड कंपाउंड है और इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अब आपके स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, अब हम कैसे पता लगेगा कि कवलेंट बॉन्ड किस में है किस में नहीं है। इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे कि कवलेंट बॉन्ड होता है क्या और इसके बारे में हमें कैसे पता लगता है, लेकिन हम अभी जस्ट बेसिक चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। तो हमें इतना आपने याद रखना है स्टूडेंट्स के सोडियम बाइकार्बोनेट एक कवलेंट बॉन्ड सोडियम बाइकार्बोनेट में नहीं होता, यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में कवलेंट बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसकी स्टडी भी हम किस में करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया
और इसकी हाइड्रोकार्बन के अलावा और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स के अलावा, ये नहीं कि हम हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स को इसमें डिस्कस करेंगे, नो, हाइड्रोकार्बन्स और इनके डेरिवेटिव्स को एंड देयर डेरिवेटिव्स को भी हम इसमें डिस्कस नहीं करते। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यूनिवर्स के तमाम एलिमेंट्स एंड तमाम कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे सवाए हाइड्रोकार्बन्स को छोड़ के, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़ के, ऐसे कंपाउंड्स को छोड़ के जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन्स के दरमियान में कवलेंट बॉन्ड बन रहा होगा। हम वैसे सारे एलिमेंट्स को छोड़ के, वैसे सारे कंपाउंड्स को छोड़ के, हम बाकी सारे कंपाउंड्स की स्टडी जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही करते हैं। अब जैसे कि सीमेंट है, सीमेंट की स्टडी भी इसी में करेंगे। ग्लास, प्लास्टिक, ऐसी तमाम चीज़ों की स्टडी हम किस में करेंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैं आपको एक मरतबा से फिर रिव्यू कर देती हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा था, फिजिकल केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था किन दो चीज़ों को पढ़ते हैं, कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की पढ़ते हैं मैटर की। हम एक दफ़ा पूरे इस लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को स्टार्ट किया। हमने देखा कि केमिस्ट्री की एट ब्रांचेस हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले हमने किसको आज डिस्कस किया, फिजिकल केमिस्ट्री को। फिजिकल केमिस्ट्री में हमने देखा कि हम क्या करते हैं, किस चीज़ की स्टडी करते हैं, कंपोजिशन ऑफ मैटर की एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की और इनके रिलेशन की। मीन्स कि अगर हम मैटर की कंपोजिशन में चेंजिंग लेकर आ रहे हैं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमने देखा कि कंपोजिशन के चेंज करने से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजिंग आती हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी वाटर की एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड की, कैसे एक ऑक्सीजन के एटम को ऐड करने से उसके बॉइलिंग पॉइंट में, उसके टेस्ट में और उसके कलर में चेंजिंग आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन हमने डिस्कस की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने देखा कि हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं एंड देयर डेरिवेटिव्स को डिस्कस करते हैं। आपको बताया मैंने कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, मतलब कि हाइड्रोकार्बन हमारे पास बेसिक कंपाउंड्स हैं, उससे मिलकर जो हमारी न्यू चीज़ें बनती जाएंगी उनके बारे में भी स्टडी करना हम किस में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स कहलाएंगे जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान में कवलेंट बॉन्ड होगा। अगर तो कवलेंट बॉन्ड है तो दैट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम हाइड्रोकार्बन सिंपली बोलेंगे। लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में कवलेंट बॉन्ड है और उसके थर्ड एलिमेंट्स के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में कवलेंट बॉन्ड नहीं है तो दैट इस वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इसमें एग्जांपल मैंने आपको मीथेन और मैथानोल की दी थी कि, और फिर बाद में हमने देखा था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे यूनिवर्स में जितनी भी सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं उन सब की स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, मास वाइज उन चीज़ों को छोड़ के, हाइड्रोकार्बन्स को छोड़ के, ऐसे सारे कंपाउंड्स को छोड़ के जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में कवलेंट बॉन्ड होता है। मैंने आपको एग्जांपल दी वाटर की, सीमेंट की, ग्लास की, प्लास्टिक की, सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें देख के पता लग रहा है। लेकिन मैंने आपको एक और एग्जांपल दी बेकिंग सोडा की, सोडियम बाइकार्बोनेट की। सोडियम बाइकार्बोनेट की, इसमें हमने देखा कि सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर की कार्बन और हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में कवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता। इनके दरमियान में अगर कवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इट्स मीन कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है और इसकी स्टडी भी हम किस में करेंगे, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट ब्रांचेस इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।